छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ तो अमित जोगी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है और अब बेटे अमित जोगी के बाद पूर्व सीएम अजीत जोगी के खिलाफ गौरेला थाने में केस दर्ज किया गया है। दरअसल ये कार्रवाई फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने के मामले में हुई है। ये आवेदन मरवाही विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी और जिला पंचायत सदस्य समीरा पैकरा ने किया है। पैकरा ने तत्कालीन तहसीलदार पत्रस तिर्की के शपथ पत्र के आधार पर केस दर्ज कराया है। तिर्की ने दावा किया है कि जोगी का प्रमाण पत्र उन्होंने कभी भी जारी नहीं किया, इसलिए पत्र में जो हस्ताक्षर हैं वो फर्जी हैं। समीरा पैकरा ने एफआईआर में आरोप लगाया है कि पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने फर्जी प्रमाण पत्र का लाभ लेकर छल किया है। दर्ज एफआईआर के मुताबिक ये जानते हुए कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के वो नहीं हैं, उन्होंने राजनीतिक और दूसरे तरह के लाभ अनुचित रूप से लेने के लिए खुद को अनुसूचित जनजाति का बताकर गलत नियत से फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाया। उस प्रमाण पत्र के सहारे मरवाही विधानसभा से चुनाव लड़े और जीते भी, साथ ही शासन के अनुचित पद पर दूसरे फायदे भी हासिल किए हैं। लेकिन अब अजीत जोगी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। रायपुर से R9 TV के लिए श्री प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट।